आज मैं आपको लेके चलूंगा चंडीगढ़ के रॉक गार्डन। जब आप रॉक गार्डन में एंटर करते हैं तो आपको केवल 30 रुपए के टिकट पे इसमें एंट्री मिल जाती है। रॉक गार्डन में जब आप बाहर से एंटर करेंगे तब आपको कुछ नयाब चीज़ें सामने दिखेंगी और आपका दिमाग उनकी तरफ आकर्षित होगा। और फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो रॉक गार्डन की एक बड़ी रॉक, जिसपे रॉक गार्डन किसके द्वारा बनाया गया और कब बनवाया गया, इसके विषय में लिखा गया है। इस प्रकार से आप रॉक गार्डन में एंटर करते हैं तो आपको क्ले पॉट्स के द्वारा बनाई गई एक स्कल्पचर दिखता है। कभी हम सोच भी नहीं सकते शायद कि पानी के मटकों का इतना खूबसूरत इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही साथ मूर्तियों पर तराशी, सीमेंट की मूर्तियों पर तराशी गई खूबसूरत कल्पनाएं आप वहां देख सकते हैं। जब आप रॉक गार्डन में आगे बढ़ते हैं तो आपको दीवारों पे उतरी हुई कुछ आकृतियां दिखती हैं जो बेहद खूबसूरत और क्रिएटिव हैं, और अलग अलग डिजाइन अलग अलग पैटर्न में इनको रचाया गया है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ फाउंटेन्स आपको मिलेंगे। अगर आप सेल्फी लेने के शौकीन हैं और फोटो खींचने के शौकीन हैं तो रॉक गार्डन के फाउंटेन के पास आके आप अच्छी फोटो खींच सकते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको छोटे छोटे हट्स दिखते हैं। ये हट्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, कुछ मंदिर के रूप में, कुछ पुराने हमें गाँव की याद दिलाते हैं, जिन पर खपरेल और छोटे छोटे दरवाजे और छोटे छोटे गेट हैं। उससे जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप रॉक गार्डन के दूसरे फेज में पहुंच जाते हैं। रॉक गार्डन में हर चारों तरफ आपको बेहद खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेंगी। शायद आपको रॉक गार्डन घूमने में 2 से 2.5 घंटे का समय लगे, और उसमें भी आप हर एक चीज़ को अगर गौर से देखते हैं तो शायद पूरा दिन भी आपके लिए कम हो। रॉक गार्डन में 2-3 फाउंटेन्स हैं, कई कई जगह छोटे फाउंटेन्स हैं, कहीं पे बड़े फाउंटेन्स हैं। और आप रॉक गार्डन में एक कुआं भी देख सकते हैं। कई जगह आपको अपना सिर बचा के भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह गुफाएं ऐसे दरवाजे हैं जो छोटे छोटे हैं। एक स्क्रैप से कहा जाता है क्रिएटिव चीजें बनाने में उन्हें बहुत साल लगे, और ये सब इकट्ठा करने में, एक एक चीजें इकट्ठा करने में उनका काफी वक्त लगा। जब आप बाहर की तरफ एंड में आते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिन्हें आप हमेशा के लिए अपने दिल में बसा के ले जा सकते हैं। कुछ ऐसी मूर्तियां जिनके बारे में, कुछ ऐसे स्कल्पचर, कुछ ऐसी क्रिएटिव आर्ट जो आपने कभी सोची ना होगी, कुछ ऐसी व्यक्तिगत कल्पनाएं जो उनके मन की बात आपको बताएंगी। मैं आपसे यहीं पे विदा लूँगा, आपका फ्रेंड, मैं आपका दोस्त अनुपम विंसेंट। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।